जहां YouTube पर हॉरर वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और जिसको देखना बच्चे एकदम पसंद करते हैं, पर फिर भी इस कार्टून ने ऐसा क्या ही क्रीपी चीज दिखा दी जो इसे एकदम मास्टर TRP मिलने के बाद भी आखिर में बंद करना पड़ा। और क्यों हॉरिड हेनरी के न्यू एपिसोड आने के बाद भी कई एक्टर्स ने ट्वीट करके इसे बंद करवा दिया। आज हम इन ओल्ड कार्टून को किस वजह से बैन किया गया ये जानेंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, करेज द कावर्डी डॉग। रात को जाकर इस शो को देखना हम सबके बचपन की ओल्ड मेमोरी है। इसे हम करेज के जगह शेर दिल के नाम से भी जानते हैं। इसे जॉन डिलवर्थ नाम के एक शख्स ने बनाया था। कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इस शो की इंस्पिरेशन उनको एक घर से मिली थी जो कि न्यू मेक्सिको में है और जिसमें एक ओल्ड कपल अपने डॉग के साथ रहा करते थे। उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों को कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स भी की थी। इन रिपोर्ट्स के कुछ सालों बाद वो कपल की कहीं भी खोज खबर नहीं मिली, बस वहाँ पर उनका डॉग ही मिला था। सबसे पहले इन्होंने हाना बारबरा के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की थी और तभी तो ये कुछ खास पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा था उन्हें काफी ज्यादा मजा आया था। इस शॉर्ट फिल्म में एक एलियन मुर्गी होती है जो कि स्पेस से आई थी, और इसके 2 साल बाद कार्टून नेटवर्क ने इस शो को अप्रोच किया कि हम आपके कैरेक्टर्स को लेकर एक कार्टून बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जॉन डिलवर्ट एकदम एक्साइटेड हो गए क्योंकि वो भी इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे। और वैसे तो तभी कार्टून नेटवर्क के लगभग सारे कार्टून को हेना बारबरा ही एनिमेट करता था, लेकिन जॉन ने उनकी खुद की एनिमेशन टीम से एनिमेट करवाने के लिए मना लिया और फिर शुरू हुआ करेज द कावर्डी डॉग। लेकिन फिर समय के साथ इसे बंद करना पड़ा, जिसका एक रीजन यह बताया गया है कि शो बहुत ही ज्यादा डरावना था। अभी तो हमेशा ही डरावना ना लगे, लेकिन बच्चों के लिए उस समय काफी ज्यादा डरावना था और उसकी मेजोरिटी ऑडियंस बच्चे ही थी, तो इसीलिए पेरेंट्स काफी कंप्लेन किया करते थे कि इसे देखने के बाद बच्चों को काफी ज्यादा बुरे सपने आते हैं। और साथ ही जॉन अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहते थे, तो इन्हीं काम की वजह से इसे वर्ल्ड वाइड बंद कर दिया गया। क्या आपको पता है कि करेज के घर में जगह जगह पर रियल इंसानों के चेहरे बने होते थे जो कि मोस्टली शो के मेकर्स और उनके टीम मेंबर्स के ही चेहरे और नाम हुआ करते थे। नंबर 2, हॉरिड हेनरी। इंडिया में तो ये कई सालों से ही रिलीज होना बंद हो गया है, लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि अभी भी ये शो इंडिया के बाहर एयर होता है और इसके नए एपिसोड के साथ नए सीजन भी आते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडिया में तो इसके नए एपिसोड्स 2012 के बाद ही आना बंद हो गया था, लेकिन बाहर की कंट्रीज में तो 2019 में इसका 5th सीजन लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया में ये बिल्कुल भी नहीं चलता। हालांकि नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशन पर आप इसके नए एपिसोड अभी भी देख सकते हो। जब ये कार्टून नेटवर्क पर आता था तब बहुत ही ज्यादा मजा आता था। इसका हिंदी डब सही में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन फिर ये शो बंद हो गया। और कई लोगों को लगता है कि शायद इसका रीजन ये होगा कि ये बहुत ही ज्यादा मस्ती करता था, तो पेरेंट्स ने जरूर कंप्लेंट की होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। यूके जहाँ पर ये कार्टून सबसे पहले रिलीज हुआ था वहाँ पर भी कई एक्टर्स खुद पेरेंट्स थे, उन्होंने ट्विटर के जरिए इसकी काफी बुराई की थी। और इसके अलावा इसके बंद होने का और एक सिंपल सा कारण है लोकलाइजेशन, यानी कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल इंडिया के रिलेटेड ही कार्टून दिखाने लगे। इन्हीं कारणों की वजह से इस शो को लास्ट में इंडिया में बंद करना पड़ा। नंबर 3, लकी मैन। बचपन में हम सोचा करते थे कि काश हम भी लकी मैन जितना लकी होते। अगर आपने अपने बचपन में इस एनिमी को नहीं देखा है तो सीरियसली आपने एक बहुत ही ब्रिलियंट एनिमी को मिस कर दिया है, क्योंकि ये एक लौता ऐसा हीरो था जो सिर्फ अपने लक से ही शाही तमार गोकू थेनो जैसे किसी को भी हराने की पावर रखता था। माना कि इसके सिर्फ 85 एपिसोड थे, बट वही काफी थे हमें इम्प्रेस करने के लिए। और ऑफ कोर्स ये एनिमी है तो इसकी शुरुआत जापान से ही हुई थी, जहाँ पर बाकी सारे एनिमी की तरह इसका पहले मांगा लिखा गया था एंड उसके बाद इसके एनिमी को बनाया गया था। गाइस, ये एनिमी जापान में तो फेमस था ही, बट उससे भी कई ज्यादा फेमस ये इंडिया में हो गया था, क्योंकि इसकी इंडिया में डबिंग काफी यूनिक वे में की गई थी। और वैसे तो 85 एपिसोड में ये एनिमी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके मांगा में और भी काफी आगे की स्टोरी लिखी गई है, बट उसे आज तक कभी भी एनिमी में नहीं बनाया गया और इसी वजह से वो आगे इंडिया में कभी रिलीज नहीं हो पाया। और इन सब के पीछे कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं बताया गया, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि जापान में इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही थी और इसीलिए इसके प्रोडक्शन हाउस ने इसके और भी एपिसोड को नहीं बनाया। गाइस, आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।